क्या मैं विलेजर्स के लिए एक अच्छा सा घर बना पाऊंगा? क्या विलेजर्स एक अच्छे के घर में रहना डिजर्व करते हैं? क्या वो आज छत के नीचे रह पाएंगे या फिर ऐसे ही घूमते फिरेंगे? आगे देखिए इस वीडियो में। योर्स गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू नाउ। तो आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पर। जो भी मेरी लाइव स्ट्रीम देखते होंगे उनको तो पता ही होगा कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, वन ब्लॉक सीरीज स्टार्ट। सबसे पहले जो आज हम बनाएंगे एक स्टोन जनरेटर। पहले जो है मेरे को लावा था, मिल ही चुका था। अब मेरे को वाटर इन्फिनिट बनाना है क्योंकि वाटर भी मेरे को मिला हुआ है। सबसे पहले जो एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, उसके बाद जो है मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जहाँ पर हम अपना लावा और बाकी सामान रखने वाले हैं। और अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ पानी ताकि मैं बना सकूँ अनलिमिटेड वाटर सोर्स। इधर से पानी डाला, इधर से पानी डाला, बन गया अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स। इधर से भी ले लो और इधर से भी ले लो। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार पेड़ों की छटाई कर लेते हैं और जो विलेजर्स के लिए घर बनाना है उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो जल्दी से मैं ये पेड़ काट लेता हूँ। उसके बाद जब मैं पेड़ तोड़ के आया, मैंने देखा इसकी जगह तो एक विलेजर है, बाकी सारे एनिमल कहाँ गए? फिर मेरे को याद आया मैंने तो सारे एनिमल्स भी खोल दिए थे। उसके बाद मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा पहले तो स्केलेटन को मारते हैं और जो सारा कूड़ा है नीचे फेंकते हैं यार। उसके बाद मैंने सोचा ये ट्रेडर क्या दे रहे, तट्टी दे रहे, रहन दो भाई। उसके बाद मैंने जो है ये सोचा कि यहाँ पर पानी लगाते हैं और मेरे पास ब्लॉक से नीचे लगा लेते हैं यार, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई भी एक भी डर्ट मेरे पास डर्ट एक भी मेरे पास सैंड नहीं आई। इतना करने के बाद मैं इधर आ गया, मैंने सोचा चलो यार विलेजेस का घर बना लेते हैं, स्टार्टिंग में मैंने कहा था। तो अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ विलेजेस के लिए घर। यार इतनी मेहनत यार इन टट्टू से विलेजरों के लिए इतनी मेहनत, और उसके बाद देते भी कुछ भी नहीं। पता नहीं 15-15, 20-20 बुक शेल्फ और एमराल्ड के बदले सिर्फ एक बुक देते हैं बेकार सी। पूरा घर बनने के बाद मैं पीछे से देखा तो मेरे को थोड़ा सा जीप से लगा यार। उसके बाद मैंने काउंट किए, इधर की साइड 13 ब्लॉक, इधर की साइड 9 ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं विलेजर्स फार्मर विलेजर के लिए यहाँ पर जगह बना लेता हूँ। तो अभी मैं मिलता हूँ पूरा करने के बाद। यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल इक्वल लग रहा है, बिल्कुल ही सेम टू सेम। और अब बारी है यहाँ पर विलेजर्स को डालने की और इनको कैद करने की। तो मैं मिलता हूँ डालने के बाद। इतनी मेहनत की और यहाँ पर हमने लगा लिए बेड सबके लिए ताकि सब आराम से रात को नींद करें। बेड लगाने के बाद मैंने इनको दी ब्रेड ताकि रिप्रोडक्शन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हों। फिर मैं अपना काम करके बाहर को चला गया, उनका काम होने देते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर सामान बना ले और फिर मैंने सोचा क्यों ना देख ये कोबल स्टोन हमको 10 मिनट में कितने स्टोन देता है। तो मैंने लगातार तोड़ना शुरू किया और मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं सारा नहीं दिखा पाया। अगर मैं सारा दिखाता तो वीडियो लंबी हो जाती और सारे छोड़कर चले जाते। और कोई 10 मिनट पूरे हो जाने के बाद ये रही घड़ी, हमको मिले हैं 4 स्टैक, मतलब 5 स्टैक पूरे पूरे मिले हैं। आई होप आपको वीडियो को लाइक, चैनल पे कोई भी नहीं सब्सक्राइब यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपका कुछ भी नहीं जा रहा। और तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो पूरी देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गिली गिली पप्पी।